हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये वीवो का Y35 है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पैटर्न लॉक लग गया है। इसमें मैंने जो पैटर्न लॉक लगाया था वह मैं भूल गया हूँ, और जब मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा पैटर्न ड्रॉ करता हूँ तो वह रॉन्ग आता है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका पैटर्न लॉक अनलॉक करके दिखाऊँगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो इस साइड में इसका पावर बटन दिया है, इसे हम लोग दबा दिए। अब यहाँ पावर ऑफ का ऑप्शन आ गया, इस पर हम लोग टैप कर देंगे, अब हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये है वॉल्यूम अप बटन, ये है वॉल्यूम डाउन बटन, और ये है पावर बटन। तो हम लोग को क्या करना है, फ़ोन के इस साइड में वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन दिया हुआ है। तो इसे कैसे प्रेस करना है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे, उसके बाद जाके पावर बटन दबाएंगे, ठीक है? तो चलिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं, वॉल्यूम अप बटन दबा दिए, उसके बाद जाके पावर बटन दबा दिए। इसी तरह दबाए रखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आएगा दोनों बटन छोड़ देंगे, ठीक है? आ गया ऑप्शन, अब दोनों बटन छोड़ दिए। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पर इस तरह से दिखाने लगेगा, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट, उसके नीचे लिखा हुआ है रिकवरी मोड, ठीक है? तो ये रिकवरी मोड पर पहले से आ गया है, लकड़ा बटन दबा गया था इसीलिए आ गया है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो वॉल्यूम डाउन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख लीजिए, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे और रिकवर मोड पे आ जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग रिकवर मोड पर ही हैं, तो अब इस पर हम लोग को पावर बटन से ओके कर देना है। तो चलिए ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा अगला ऑप्शन आने में, यहाँ पर अभी बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस खुल चुका है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्लियर डाटा, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है क्लियर केचा, ठीक है? उसके नीचे लिखा हुआ है क्लियर ऑल डाटा, तो हम लोग को क्लियर ऑल डाटा पर टैप कर देना है। अब यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा लिख रहा है और नीचे लिख रहा है ओके, तो ओके पर टैप कर देंगे। अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट होने लगेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ना हो जाए। देख सकते हैं हो गया। अब यहाँ सबसे नीचे लिखा चुका है डाटा वाइप कंप्लीटेड, अब यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब हम लोग वापस आ चुके हैं, फिर से यहाँ से भी बैक जाना है हम लोग को, तो यहाँ ऊपर एरो दिख रहा होगा आपको सबसे ऊपर में, ठीक है? इस एरो पर टैप कर देंगे। अब हम लोग यहाँ फिर से वापस आ चुके हैं मेनू में, यहाँ पर क्या करना है, सबसे नीचे में लिखा हुआ है रीस्टार्ट, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर रीस्टार्ट योर फ़ोन लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है, टैप कर देंगे इस पर, ठीक है? तो हमारा फ़ोन जो है वो रिबूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपको 3 से 4-5 मिनट लग सकते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं। फ्रेंड, हार्ड रीसेट कम्प्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं, मतलब FRP लॉक में फंस जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी मैं वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके वीडियो को देख के अपने फ़ोन का लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास नहीं होता है दोस्तों, तो आप अपने फ़ोन का रसीद और फ़ोन लेके सर्विस सेंटर चले जाएँ, वीवो सर्विस सेंटर, वहाँ पर आपका लॉक जो है फ्री में खोल दिया जाएगा। वीवो सर्विस सेंटर के द्वारा यह सेवा फ्री में किया जाता है, तो आप वीवो सर्विस सेंटर जाएँ और अपने फ़ोन का लॉक अनलॉक करवा लें। या फिर वीडियो देख कर अगर आपका फ़ोन का लॉक अनलॉक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड, इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है दोस्तों? अब हमारा मोबाइल खुलने वाला है, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन अब खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट पे टैप करके स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, गुड डे।